वेलकम 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 स्वागत है कुछ नहीं काम है रिटर्न स्टेटमेंट कौन देता है मैनेजमेंट ऑडिटर को देता है इट इज गिवन बाय द मैनेजमेंट टू ऑडिटर मैंने कहा दो चीजों के लिए सर क्या टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स ये चीज कंफर्म करना कि भाई जो तुमने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ऐसे 210 में प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफरएफ फॉर इंटरनल कंट्रोल टू प्रोवाइड दर विद इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हमने उसको पूरा किया और इसके अलावा हम किस चीज के लिए ले सकते टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस यानी जैसे हमने ऐसे फोर फिफ्टी में सीखा कि अनकेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटीरियल नहीं है इसके लिए भी हमें मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ती है ऐसे हंड्रेड में इंक्वायरी में कि जो इंक्वायरी हम मैनेजमेंट से करते हैं ओरल वाली उस ओरल इंक्वायरी का रिस्पांस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लेंगे ऐसे फाइव में लिटिगेशन एंड क्लेम्स देख रहे थे कि कंप्लीट लिटिगेशन एंड क्लेम्स मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए उसके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसे फाइव सिक्सटी इवेंट यानी जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स का एडजस्टमेंट या डिस्कलोजर होना चाहिए था ट हैव बीन एडजस्टेड एंड डिस्कलोज एंड लास्ट में गोइंग के केस में सर क्या थी मैंने कहा गोइंग कंसन के केस में, जो उनका मैनेजमेंट का प्लान होता है that plan is feasible. इसकी भी लेते थे. तो आपने कुछ नहीं करना बस इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है इट इज रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर दो चीजों के लिए टू कंफर्म सर्टन मैटर्स एंड टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस क्लियर है यह बातें बस आपने ध्यान रखनी है डोंट राइटाम क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एविडेंसेंटेशन अपने आप में ऑन इट्स इज नो वो खुद के हिसाब से सफिशियंट एंड्रोप्रियट एविडेंस नहीं है तो तुम ध्यान रखना इट इज लाइक का क्या मतलब इट इज लाइक अदली मतलब जरूरी तो है इडली के साथ बट क्या हम अकेल अकेले अकेले सांबर से पेट भर सकते हैं मैंने कहा नहीं सांबर इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसकी तरह है? मैंने कहा सांबर की तरह अच्छा एक बात बताओ अगर मैनेजमेंट ने तुमको रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दी क्या अब भी अब भी आपको अलग एविडेंस लेने पड़ेंगे मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता फर्क नहीं पड़ता मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी इट डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अदर एविडेंस टू बी ऑप्टेंड आपको जो बाकी एविडेंस है वो अभी भी लेने ही पड़ेंगे तो फटाफट फड़ एक बार अपनी किताब में देखो क्या कहता है फैक्ट दैट द मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड अ रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इट अफेक्ट फर्क नहीं पड़ता द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अदर एविडेंस टू बी ऑप्टेंड एविडेंस किसके लिए वही मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और स्पेसिफिक अजर्शन के लिए ठीक है सर अब अगला सवाल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या ये कोई नई चीज है मैंने कहा नहीं जो ऊपर वाली चीज है उसको बस अलग से पैकेज करके डालना है पहली चीज यू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर वॉट फॉर मैनेजमेंट ने अपनी निभाई है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर सेकंड चीज क्या थी क्या फायदा था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस कहीं ना कहीं टू सपोर्ट अदर एविडेंस या स्पेसिफिक अजर्शन चेक करने के लिए जैसे ऐसे फाइव में

पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे फिर उससे बाकी एविडेंस को सपोर्ट करेंगे जस्ट रिकॉल इन द फ्लो लेंगे सपोर्ट करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे कम ऑन लेंगे रिस्पोंड करेंगे, करेंगे एक और बार लेंगे सपोर्ट करेंगे करेंगे डन 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 सर अब अगला पॉइंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले बताओ मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपीएफएस एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ यानी प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ जरूरत पड़ी तो फेयर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देंगे क्लियर है क्लियर है सर अच्छा क्या मैनेजमेंट अकेले अकेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेती है कई बार उसको किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है सर हमने फाइव हंड्रेड में सीखा था कई बार मैनेजमेंट को मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है तो फिर जब वो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली क्या उसको इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए क्या उसको इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए उन लोगों से जिनकी उन्होंने मदद ली वाइल प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आंसर इज यस सो इट से इन सम केसेस हमेशा नहीं कुछ केसेस में मैनेजमेंट में अगर चाहे तो जरूरी नहीं है मेक द इंक्वायरीज तीन लोग बताओ जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज है मैंने कहा मेरे science. Science का मतलब क्या था एक तो वो इंजीनियर एक तो याद नहीं आ रहा अभी एस से कौन सा इंजीनियर था स्टाफ इंजीनियर हाँ सर वही वर्ड ठीक बैठ रहा है तो मैंने कहा देखो स्टाफ इंजीनियर है वेरी वेरी गुड सर ये कैसे आता है प्रैक्टिस से आता है ठीक है जितनी बार तुम इसको रिकॉल करोगे दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे करो, तुमको आता रहेगा तो स्टाफ इंजीनियर क्या था मैंने कहा स्टाफ इंजीनियर ना उसमें हेल्प करता था प्रोविजन फॉर ड्रॉल तो जो डी कमिशनिंग रेस्टोरेशन अदर लाइब्रेट होती है बोलो इन्वायरमेंटल वाली लाइब्रेटी उसमें उसने हेल्प की थी ये ए से एक्चुरी ने किसने हेल्प की थी सर वो जो आपने ग्रेचुटी का प्रोविजन बनाया था ग्रेचुटी का प्रोविजन इज ऑल्स एन अकाउंटिंग एस्टिमेट तो जहां जहां एक्चुरीज की मदद लिए फॉर अकाउंटिंग मेजरमेंट वहां पे इंक्वायरी कर लो एंड ये आई से क्या था इंटरनल लीगल काउंसिल तो इंटरनल लीगल काउंसिल ने आपकी लिटिगेशंस में हेल्प की थी तो जो भी इंफॉर्मेशन है ऑन लीगल क्लेम्स उसके लिए आप उसी मदद ले सकते हो तो ये तीन दोस्तों को याद रखना सर कौन है तीन दोस्त स्टाफ इंजीनियर इन हाउस लीगल काउंसिल क्लियर है क्लियर है सर अब सर एक बात बताओ ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को लिखने का लहजा कैसा होगा लहजा मतलब लिखने का क्या तरीका होगा वट शुड बी द वर्डिंग वट शुड बी द लैंग्वेज यूज दो ऑप्शन थे हमारे पास या तो मैनेजमेंट लिख के देगी भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम पक्का पक्का एकदम हंड्रेड परसेंट गारंटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन क्रिएटेड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ ठीक है सर या फिर वो बोले टू द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज हमको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बने देखो मैनेजमेंट क्या इंसान है क्या वो पक्का पक्का की गारंटी दे सकती है मैंने कहा नहीं हो सकता है उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो बिचारों से तो वो लिखना सही है कि टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एप्लीकेबल एफ आर एफ अच्छा Got it. Got it, इस लैंग्वेज को मैंने क्या नाम दिया था मैंने इस लैंग्वेज को क्या नाम दिया अनन्या मेघा गोरांग वेरी वेरी गुड त्रिपाठी जी ने भी सही जवाब दिया राघव जी ने भी सही जवाब दिया सर क्या क्वालिफाइंग लैंग्वेज हम इसको क्वालिफाइंग लैंग्वेज का नाम देते हैं तो क्या क्वालिफाइंग लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है हा है क्योंकि क्योंकि एज अ ऑडिटर मैं ये मान के चलता हूं मैनेजमेंट के पास नॉलेज है और मैनेजमेंट वो मेरे को ठीक ठाक बता सकती है बिकॉज मैनेजमेंट हैज द एंड नॉलेज ऑफ दिस सो आई कैन एक्सेप्ट अ क्वालिफाइंग लैंग्वेज चलेगा चलेगा सर अब मेरा आप सबसे सवाल क्या सवाल है सर मेरा आप सबसे सवाल है दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी बड़ी सिंपल वाली थी कि इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करी ऑडिटर को और कंप्लीट चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी ट्रांजेक्शन डिस्कलोज करिए मेरा सवाल यह है क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लेना जरूरी है 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 मतलब बाकी बाकी एविडेंस एविडेंस से से दिख तो रहा है? बाकी समझ आ तो रहा रहा समझ आ कि इन्होंने अपनी हैिटी निभाई रहेगी क्या मुझे एक्सप्लिसिटली क्या मुझे एक्सप्लिसिटली इनसे पूछना जरूरी है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई मैंने कहा हां तुमको वो मीठे मीठे मैसेजेस भेज रही है तुमको वो सारे इंडिकेशन दे रही है फिर भी उससे पूछना जरूरी है कि क्या वो तुमको पसंद करती है यानी एक्सप्लेटली मैनेजमेंट से आस्क करो और कंफर्म करो कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई या नहीं निभाई सो द अदर एविडेंसिस मे नॉट बी इनफ टू सपोर्ट कि मैनेजमेंट हैज फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोवाइडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर सो इट इज इंपॉर्टेंट इट इज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू टेक द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड इसी चीज के ऊपर इसी चीज के ऊपर हमने क्या किया था सर इसी चीज के ऊपर हमने क्या देखा था क्वेश्चन देखा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन बैंक में क्लियर है क्लियर है सर गॉट इट गॉट इट सर अब सारे के सारे बच्चे एक बात बताओ मुझे क्या चलो अब सर अगला सवाल मैंने कहा क्या क्या सवाल है तो सवाल यह है क्या हमको रीकंफर्मेशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द मैनेजमेंट यानी हम जब पिछली बार ऑडिट करने आए थे तो मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी थी अब मैनेजमेंट के साथ हमने इंगेजमेंट लेटर भी साइन किया था तो क्या हमको रिकन्फर्म कर लेना चाहिए कि मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है हां सर कर लेना चाहिए कब कब करना चाहिए मैंने कहा जब बदलाव आए बदलाव आए यानी साल बदल गया लोग बदल गए मैंने कहा लोग ही नहीं हालात भी बदल गए तो तीन पॉइंट ध्यान रखना साल बदल गया मतलब जो आपने मैनेजमेंट के साथ एंगेजमेंट लेटर साइन किया था दैट वॉज एग्रीड इन द प्रायर ईयर ओ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वर प्रिपेयर्ड इन द प्रीवियस ईयर अब इस साल क्या है लोग चेंज हो गए मतलब जिन लोगों के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिन लोगों के पास वो रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आज उनके पास नहीं है यानी दोनों no अब क्योंकि लोग बदल गए तो द अडरस्टैंडिंग यही चार पॉइंट गौचा गौचा सर फिर हमारे पास एक टॉपिक आया था बड़ा ही मस्त वाला सर मस्त वाला टॉपिक क्या था मस्त वाला टॉपिक आपसे पूछता है कि जो आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है अभी तक किस, किस के लिए ले रहे थे

मैंने कहा एल आर सी ए का मतलब था लॉ रेगुलेशन कंटिजेंट है लॉ रेगुलेशन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ठीक है ठीक है सर अब इंटेंशन और प्लान कब काम आता है मैंने तुमको एग्जाम्पल कौन सा दिया था इसमें इन्वेस्टमेंट वाला कि जो इन्वेस्टमेंट है वो करंट में जाएगी या नॉन करंट तो उसके हिसाब से उसकी क्या होगी कैरिंग वैल्यू पे इफेक्ट आएगा क्लासिफिकेशन पे इफेक्ट आएगा तो ये आपको मैनेजमेंट का इंटेंशन चेक करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कब तक होल्ड करने का इरादा है सो चेक द प्लान एंड इंटेंशन बिकॉज दे अफेक्ट द क्लासिफिकेशन एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज एंड नेक्स्ट पॉइंट दिस ओनली एसेट्स वाला पॉइंट क्या था कि जो एसेट है क्या वो आप ओन करते हो कंट्रोल करते हो या आपने उसको प्लेच कर रखा है इस कोलेट्रल लाइबिलिटी में कौन सी आएंगी समोसा खाओगे या बर्गर बोलो दोनों तो लाइबिलिटी कौन सी चाहिए एक्चुअल भी चाहिए कंटिजेंट भी चाहिए तो दोनों की रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना क्लियर है क्लियर है सर धूम मचा दी नहीं मचा दी मचा दी सर अब सर इसके बाद एक बात बताओ तुमने कहा मैनेजमेंट का इंटेंशन चेक करेंगे ये इंटेंशन चेक करना क्या मैंने आज सिखाया या पिछली क्लासेस में सिखाया था सर पहले सिखाया था जब आपने इंक्वायरी वाला चैप्टर पढ़ाया था तब आपने बताया था इंक्वायरी का जो थर्ड पॉइंट था पैरा देखेंगे पैरा का क्या मतलब है अगर आपका कोई सी स्टूडेंट कहता है मेरा इंटेंशन है कि मैं बारह घंटे पढ़ूंगा तो उसका पैरा देखना मतलब पैरा मतलब था पास हिस्ट्री देखेंगे ठीक है सर और क्यों पड़ेगा भाई क्या रीजन है इसके बिहाइंड प्लस उसकी एबिलिटी क्या उसकी बस की है तो पास्ट हिस्ट्री रीजन एबिलिटी प्लस अगर बाकी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है विच यू फील इज इनकंसिस्टेंट विद द इंटेंशन तो भी आप उस चीज को देख सकते हो तो चार चीजें आएंगी पास्ट हिस्ट्री रीजन एबिलिटी एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन क्लियर क्लियर सर अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया वही वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला वो बात ध्यान रखनी है अब सर अगला सवाल डेट एंड पीरियड टू बी कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जो डेट है वो किसी की बर्थ डेट रहेगी मैंने कहा नहीं तो सर क्या डेट होनी चाहिए मैंने कहा सुनो जो आपका ऑडिट ओपिनियन है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से पहले नहीं हो सकता क्यों क्योंकि तो be तो हाँ, लिखता है ऑडिट रिपोर्ट बिफोर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट क्या होगी मैंने कहा तुमको फर्क पड़ता है तुमको फर्क पड़ता है विद ऑल द इवेंट्स अकरिंग टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यानी जितने भी इवेंट्स होंगे टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जिनका एडजस्टमेंट या डिस्कलोजर चाहिए कहां सीखा था 560 में टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फर्क पड़ता है तो योर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी डेटेड एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यानी पास जितना बेहतर उतना पास जितना बेहतर उतना यानी इट शुड बी डेटेड एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट फ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यानी हो सकती है उसके बाद नहीं हो सकती क्लियर है सर ऐसे ऐसे, मत का ऐसे बता रहा था ठीक है क्लियर है सर अब सर पीरियड की बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने पीरियड आते हैं करंट पीरियड प्रायर पीरियड तो क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सारे पीरियड को कवर करेगी हाँ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फिल बी फॉर ऑल द पीरियड विच आर कवर्ड बाय द ऑडिटर्स रिपोर्ट ताकि आप मैनेजमेंट से रीकन्फॉर्मेशन ले सको आप मैनेजमेंट से रीअफॉर्मेशन ले सको कि जो पिछले साल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी थी वो आज भी वैलिड है वो कहीं ना कहीं आज भी अप्रोप्रिएट है अब इसमें एक्सक्यूज क्या बनाती है मैनेजमेंट लोग बदल गए यानी जिन लोगों ने पिछली बार आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी थी वो लोग चले गए अब नए लोग आ गए हैं तो करंट मैनेजमेंट ये एजर्ट कर सकती है करंट मैनेजमेंट ये बोल सकती है क्या एजर्ट करेगी सर दी वर नॉट प्रेजेंट इन द प्रायर पीरियड सिंह वी वर नॉट प्रेजेंट इन द प्रायर पीरियड वी आर नॉट इन पोजिशन टू गिव द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रायर पीरियड ठीक है सर क्या तुम ये एक्सक्यूज मान लोगे मैंने कहा नहीं करंट हो चाहे प्रायर हो मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है तो हमारी जो ऑडिटर है हम जो ऑडिटर है हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी भी रिक्वायरमेंट है टू टेक द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कवरिंग ऑल द पीरियड्स क्या ये पॉइंट क्लियर है हाँ सर सो दिस नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आज आज भी उतनी ही है तो एज अ ऑडिटर जो आपकी रिक्वायरमेंट है टू ऑपटेन द रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द पीरियड्स इट स्टिल अप्लाइज आज भी वो चीज एप्लीकेबल है क्लियर क्लियर सर अच्छा इस ये वाले टॉपिक में क्या था बहुत अंडशं बात लिखी थी सर क्या कोई लॉ रेगुलेशन कहता है मैनेजमेंट को इसको रीड करके चलना ठीक है बस ध्यान से क्या कहता है इसको कि लॉ रेगुलेशन मैनेजमेंट को कुछ पब्लिक डिस्क्लोजर करने को कहता है और उन पब्लिक डिस्क्लोजर में वही बात लिखी है जो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में चाहिए क्या आप मैनेजमेंट से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स करवाओगे क्या आप मैनेजमेंट से दोबारा वो चीजों के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे मैंने कहा नहीं जब उसने पब्लिकली वो बात कह रखी है तो वापिस उसी चीज के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है दोबारा उसे लेने की जरूरत नहीं है क्लियर है क्लियर है सर अब आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक्स जो मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी उसमें जो बात लिखी थी मेरी बाकी एविडेंस से मैच नहीं कर रही अब जब दो एविडेंस मैच नहीं करे तो मेरे को तो रिलायबिलिटी पे शक हो रहा है मुझे दोनों में इनकंसिस्टेंसी दिख रही है तो मैं क्या करूंगा मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा आई विल परफॉर्म सम एडिशनल प्रोसीजर्स टू रिजोल्व दिस मैटर कहीं ना कहीं इस चीज का समाधान ढूंढूंगा रिजोल्व करूंगा अगर ये चीज रिजोल्व नहीं होती मतलब मैनेजमेंट बेवकूफ है मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है बाकी एविडेंस में गड़बड़ है यानी मैं इनकी चार क्वालिटीज पे सवाल उठाऊंगा चार क्वालिटीज क्या क्या थी डाइस डाइस सर दाइस का मतलब क्या था इंटीग्रिटी कॉम्पिटेंस एथिकल वैल्यू यू विल द असेसमेंट ऑफ डी आई सी डिलीजेंस इंटीग्रिटी कॉम्पिटेंस एथिकल वैल्यू ना तो तमीज से काम करते हैं और झूठे भी लग रहे हैं कॉम्पिटेंट तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहे नलायक लग रहे हैं एंड एथिकल वैल्यूज एथिक्स वैथिक्स गए भाड़ में

ओनली ओपिनियन विच इज लेफ्ट इज नो ओपिनियन नो ओपिनियन मतलब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो यही चार बातें ध्यान रखनी है सर क्या जब भी इनकंसिस्टेंसी मिलेगी रिजोल्व द मैटर अगर रिजोल्व नहीं कर पा रहे द डाइस डाइस का मतलब था डिलीजेंस इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंस एथिकल वैल्यू ये ऐसी है तो बाकी एविडेंस कैसे होंगे रिप्रेजेंटेशन तो कैसी कैसी होंगी एंड आखिरी में चुपचाप डिस्क्लेम करके आ जाना क्लियर है क्लियर है सर अब लास्ट पॉइंट आता है मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी कहते लिख के नहीं देंगे मैं इनसे पूछूंगा क्यों लिख के नहीं दोगे यानी डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट प्लस जो तुमको लिख के नहीं दे रहा मतलब इंटीग्रिटी मतलब गई तो तो सेम चीज आ जाएगी एंड एविडेंस नहीं मिला सो अगेन यू विल सी द इंपैक्ट ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट डू अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कमोन एविव क्या यही सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी जल्दी से बताइए क्या यही सारी बातें डिस्कस की थी हां सर तो कितना टाइम लगा रिवाइज करने में एटीन मिनट्स एंड थर्टी सेकंड्स दैट्स इट एक एक चीज आपने रिवाइज कर ली ऑस्टम सो दैट्स ऑल फॉर टूडे दैट्स ऑल फॉर राइट यू ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहिए क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे हैव एन ऑसम डे अहेड हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते लगे रहो